दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हमारा हार्ट आखिर दिखता कैसा है, हमारा दिल जो है आखिर धड़कता कैसा है, और आखिर हमारी सांसें कैसे रुकती है, हमारा दिल कैसे धड़कना रुकता है जिससे हमारी मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड आखिर ब्लड कैसे पास होते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको 3D एनिमेशन के माध्यम से सीखने को मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और बारीकी से समझते हैं हार्ट के एक एक पार्ट को। दोस्तों, ये है हमारी बॉडी। जी हाँ, ये है हमारी नॉर्मल सी 3D बॉडी, और इसमें आखिर हम जानेंगे कि हार्ट कहाँ है। दोस्तों, इसके हम लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर हमें दिखती है हमारी हार्ट। लेकिन दोस्तों, आपको इतनी सारी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन में समझ में नहीं आने वाली। दोस्तों, आपके बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं जिससे आपको हार्ट समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो इसके लिए हम जितने भी बॉडी पार्ट्स अदर ऑर्गन्स हैं उन सभी को हटा देते हैं बॉडी से। तो आइए, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारा हार्ट, आखिर इसी तरह से दिखता है हमारा हार्ट। तो आइए अब इसको जूम करके इसकी अच्छे से एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो सतह है ये है हृदय की सतह यानी हार्ट सरफेस। अब ये क्या है दोस्तों? हृदय एक पेशी अंग है जो परिसंचरण तंत्र की रक्त वाहिका के माध्यम से रक्त पंप करता है और रक्त शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, साथ ही चयापचय अपशिष्टों को हटाने में सहायता करता है। मनुष्यों में हृदय फेफड़ों के बीच छाती के मध्य और डिब्बे में स्थित होता है। मनुष्य, अन्य स्तनधारियों और पक्षियों में हृदय 4 कक्षों में विभाजित होते हैं, ऊपरी बाएं और दाएं अलिंदा और निचला बायां और दायां निलय। आमतौर पर दायां अलिंदा और निलय एक साथ दायां हृदय और उनके बाएं समकक्षों को बायां हृदय कहा जाता है। इसके विपरीत मछली में 2 कक्ष होते हैं और एक अलिंदा और एक निलय, जबकि सरीसृपों में 3 कक्ष होते हैं, एक स्वस्थ हृदय में हृदय वाल्व के कारण और रक्त हृदय से एक तरफ बहता है जो वैकफ्लो को रोकता है, और हृदय एक सुरक्षात्मक थैली पैराकोमेडिया का संकलन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ भी होते हैं। हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है, एपिकामेडिया, मायोकामेडिया और एंडोकामेडिया। हृदय साइनोट्रिलिया नोड में फेसमेकिंग कोशिकाओं के एक समूह द्वारा निर्धारित लय के साथ रक्त पंप करता है। ये एक धारा उत्पन्न करते हैं जो हृदय के संकुचन का कारण बनती है, जो एंट्रियोवेटिकुलर नोड से होकर हृदय की चालन प्रणाली के साथ यात्रा करती है। हृदय को सिस्टमिक सर्कुलेशन से ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त प्रदान करता है और जो सुपीरियर और इंफेरिंग वेन केवा से दाएं अलिंदा में प्रवेश करते हैं और दाएं वेंट्रिकल में जाते हैं। यहां से इस फेफड़े के माध्यम से फुफ्फुसिया परिसंचरण में पंप किया जाता है, जहां यह ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर बाएं अलिंदा में लौटता है और बाएं वेंट्रिकल से गुजरता है और महाध्वनि के बीच से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पंप किया जाता है, जहां ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में चयापचय किया जाता है। हृदय आराम की दर से 72 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़कता है। व्यायाम अस्थायी रूप से दर को बढ़ाता है, लेकिन लंबे समय में आराम की हृदय गति को कम करता है और हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 2008 तक वैश्विक स्तर से मृत्यु का सबसे आम कारण हृदय संबंधी रोग यानी CVD है, जो लगभग 30% मौतों की जिम्मेदार है। इनमें से 3/4 से अधिक कॉरोनरी ध्वनि रोग और स्ट्रोक का परिणाम है। जोखिम कारणों में शामिल हैं धूम्रपान, अधिक वजन होना, कम व्यायाम, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और खराब नियंत्रण मधुमेह। अन्य भी हो सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों में अक्सर लक्षण नहीं होते या सीने में दर्द या सांस की तकलीफ हो सकती है। हृदय रोग का निदान अक्सर चिकित्सक का इतिहास लेने, स्टेथोस्कोपी ECG के साथ हृदय की आवाज़ सुनने और अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है। हृदय के रोगों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशेषज्ञों को हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। हालांकि उपचार में चिकित्सा की कई विशेषताएं शामिल हो सकती है। दोस्तों, ऑरिकल ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम यानी बाएं अलिंदे का
कर्ण पल्लव, बाया अलिंदा लेफ्ट आर्ट्रियम जिसे वाया अलिंदा उम्पांग भी कहा जाता है, हृदय के बाएं अलिंदे की अग्रह सतह पर हृदय की दीवार का एक प्रारंभ है। जी हाँ, यानी ये हृदय का एक दीवार कहलाया और इसको आप देख सकते हैं ये कुछ इस जगह पर स्थित होता है। एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर वेन दोस्तों कुछ इस तरह से होता है और देख सकते हैं आप इसकी स्थिति कि आखिर ये कहां पर स्थित है। दोस्तों इसे हिंदी में पूर्ववर्ती इंटरवेंट्रिकुलर सिरा कहा जाता है। दोस्तों पूर्ववर्ती इंटरवेंट्रिकुलर खांचा या फिर पूर्ववर्ती अनुदैर्ध्य खांचा दो खांचों से एक है दोस्तों, जो हृदय के नीले को अलग करता है, और दूसरा प्रश्नवर्ती इंटरवेंट्रिकुलर खांचा है जो पूर्ववर्ती इंटरवेंट्रिकुलर खांचा के हृदय स्टेनोकॉस्टल सतह पर उसके बाएं किनारे के करीब स्थित होता है, और बाएं कॉर्नरी ध्वनि की पूर्ववर्ती इंटरवेंट्रिकुलर शाखा महान हृदय सिरा के साथ कांचे में। दोस्तों लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से स्थित है, ये कुछ रेसे टाइप के होते हैं। दोस्तों देख लीजिए बाएं कॉर्नरी ध्वनि एक धमनी के है। दोस्तों बाएं कॉर्नरी ध्वनि एक धमनी है यानी आर्टरी है जो महाध्वनि वाल्व के बाएं पक्ष के ऊपर महाध्वनि से निकलती है और हृदय के बाईं ओर रक्त पहुंचाती है। इससे बाईं मुख्य कॉर्नरी ध्वनि और बाईं मुख्य स्टेम कॉर्नरी ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। यह कॉर्नरी ध्वनि में से एक है। यह आमतौर पर 10 से 25 मिलीमीटर तक चलती है और फिर पूर्ववर्ती इंटरवेंट्रिकुलर ध्वनि जिसे बाएं पूर्ववर्ती अवरोही यानी LAD और वीडो मेकर भी कहा जाता है, और बाएं स्कमप्लेक्स ध्वनि यानी LCX में विभाजित हो जाता है। दोस्तों लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों ये कुछ इस तरह से होता है और आप देख सकते हैं इसकी स्थिति, ये जो है बाएं फुफ्फुसिया ध्वनि से कहा जाता है। फुफ्फुसिया ध्वनि फुफ्फुसिया परिसंचरण में एक ध्वनि है जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, और सबसे बड़ी फुफ्फुसिया ध्वनि हृदय से मुख्य फुफ्फुसिया ध्वनि या फिर फुफ्फुसिया ट्रंक है, और सबसे छोटी फुफ्फुसिया एल्वियोली के बगल में स्थित है। रक्त प्रवाह के क्रम में फुफ्फुसिया ध्वनि फुफ्फुसिया ट्रंक या मुख्य फुफ्फुसिया ध्वनि के रूप में शुरू होती है, और मुख्य फुफ्फुसिया ध्वनि धमनी मुख्य फुफ्फुसिया धमनी दाएं वेंट्रिकल के आधार पर शुरू हो सकती है। दोस्तों यह छोटी और चौड़ी होती है, लंबाई में लगभग 5 सेंटीमीटर यानी 2.0 इंच और व्यास में 3 सेंटीमीटर यानी 1.2 इंच होती है। दोस्तों अगर इस पर आप गौर करें तो ये है पल्मोनरी ट्रंक यानी फेफड़ों की जो मुख्य नस होती है वो। फुफ्फुसिया ध्वनि फुफ्फुसिया परिसंचरण में एक धमनी है जो हृदय के दाईं ओर से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। सबसे बड़ी फुफ्फुसिया ध्वनि हृदय से मुख्य फुफ्फुसिया ध्वनि या फिर फुफ्फुसिया ट्रंक है, और सबसे छोटी धमनी वे धमनी है जो फुफ्फुसिया एल्वियोली को घेरने वाली कोशिकाओं तक जाती है। रक्त प्रवाह के क्रम में फुफ्फुसिया ध्वनि फुफ्फुसिया ट्रंक या फिर मुख्य फुफ्फुसिया ध्वनि के रूप में शुरू होती है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स यानी बाएं फुफ्फुसिया सिराएं दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की है। दोस्तों फुफ्फुसिया सिराएं वे सिराएं हैं जो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन रक्त स्थानांतरित करती है, यानी सबसे बड़ी फुफ्फुसिया सिराएं 4 मुख्य फुफ्फुसिया सिराएं हैं और प्रत्येक फेफड़े से जो हृदय के बाएं अलिंदे में जाती है। फुफ्फुसिया सिराएं फुफ्फुसिया परिसंचरण का हिस्सा है और प्रत्येक फेफड़ों के हिलम से 2 मुख्य फुफ्फुसिया सिराएं निकलती है जो 3 या 4 ब्रोंकोनियलाएं सिराओं से रक्त प्राप्त करती है और बाएं अलिंदे में जाती है। दोस्तों असेंडिंग ओर्टा यानी आरोही महाध्वनि आरोही महाधमनी महाधमनी एक हिस्सा है जो बाएं वेंट्रिकल के आधारों के ऊपरी भाग से शुरू होकर अरोस्थी के बाएं आधे हिस्से के पीछे तीसरे कॉस्टल उपाधि में स्थित होता है। दोस्तों इसके निचली सीमा के साथ एक स्तर पर है। यह जो है हृदय की धुरी की दिशा में तिरछे ऊपर आगे और दाएं से गुजरती है और दूसरे दाएं कौशल उपस्थित की ऊपरी सीमा तक अपने मार्ग एक मामूली वक्र का वर्ण करती है। दोस्तों सुपीरियर वेना कावा यानी सुपीरियर वेना कावा एक
SBC जिसे हम कहते हैं वो दो वेने कावा में से सबसे ऊपर है, जो बड़ी सिरपरक शाखाएं हैं जो प्रणालीगत परिसंचरण से हृदय के दाहिने अलेंदे में ऑक्सीजन रहित रक्त वापस लाती है। यह एक बड़े व्यास लगभग 24 मिलीमीटर की होती है, फिर भी छोटी होती है। सिरा है दोस्तों, ये सिरा है जो शरीर के ऊपरी आधे हिस्से से सिरापरक वापसी प्राप्त करती है और डायफ्राम के ऊपर यानी निचले आधे हिस्से में सिरापरक वापसी डायफ्राम के नीचे अवर वेना कावा के माध्यम से बहती है। दोस्तों राइट आर्टरियम यानी हृदय का एक भाग अलिंदा ऊपरी कक्ष है जिससे रक्त हृदय में प्रवेश करता है, और मानव हृदय में दो अलिंदाएं होते हैं जो रक्त प्राप्त करते हैं, फेफड़ों से बायां अलिंदा और सिरापरक परिसंचरण से दायां अलिंदा। अलिंदा रक्त प्राप्त करते हैं जो जब हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती है तो रक्त को नीले में पंप करते हैं, और वध परिसंचरण तंत्र वाले सभी जानवरों में कम से कम एक अलिंदा ऑरिकल होता है, यानी मनुष्य में दो अलिंदाएं होती है और अलिंदा को पहले ऑरिकल कहा जाता था दोस्तों, और यह शब्द अभी भी इस कक्ष का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी उदाहरण के लिए मोलस्का, लेकिन मनुष्य में अब उस नाम का उपयोग अलिंदा के उपांग के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हार्ट के आखिरी पार्ट की ओर चलते हैं, वो है लेफ्ट आर्टरियम यानी बायां अलिंदा। बायां अलिंदा हृदय का वह कक्ष है जो रक्त ग्रहण करता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त रक्त फेफड़ों से आगे बढ़ता है, और बायां अलिंदाओं को माइट्रल वाल्व के माध्यम के मुख्य हृदय का पेपिंग कक्ष अलिंदा को पहले ऑरिकल कहा जाता था, और इस शब्द का उपयोग अभी भी उदाहरण के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आखिर अपने 3D एनिमेशन के माध्यम से समझा पूरे हार्ट की डायग्राम को। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको किस बॉडी पार्ट ऑर्गन पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं और 3D एनिमेशन वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।